Hello everyone, welcome to my channel Cooking with Simar. Christmas is never complete without a cake. तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ वनीला चीज केक। ये केक बहुत जल्दी बन जाता है और ये केक बनता है विदाउट मैदा और बेकिंग केक। तो आइए शुरू करते हैं बनाना वनीला चीज केक। केक बनाने के लिए हमें चाहिए क्रीम चीज। हम घर पर ही क्रीम चीज बनाएंगे, हमें मार्केट वाले महंगे क्रीम चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। क्रीम चीज के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। इसे और क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें 1 कप फ्रेश मलाई डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मलाई है तो इसे डाल लें, नहीं तो आप 1 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और बॉयल आने तक वेट करें, पर साथ साथ में दूध को हिलाते रहें ताकि दूध नीचे ना लगे। दूध में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें 4 टेबलस्पून विनेगर ऐड करूंगी। इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं, जब तक दूध में से छेना और पानी अलग ना हो जाए। ये देखिए पानी और छेना अलग हो गया है, बस फ्लेम को ऑफ कर दें। आप चाहें तो विनेगर की जगह नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे छान लेते हैं। मैंने एक बोल पर एक छन्नी रख दी है और एक पतला मलमल का कपड़ा रख दिया है। बस अब इसे यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। अब इसे 20 मिनट्स के लिए बिना निचोड़े ऐसे ही रखे रहने दें। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे डालेंगे एक ब्लेंडर में। इसे तब तक ब्लेंड करते जाएं जब तक ये स्मूथ और क्रीमी ना बन जाए। चाहे तो 1 पिंच सॉल्ट ऐड करके भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट मैं बिना नमक के ही इसे प्रेफर करती हूँ। अगर ब्लेंड करने के टाइम चीज थिक लगे तो उसमें 1 to 2 टीस्पून पानी डालकर ब्लेंड कर ले। ये देखिए ये कितना क्रीमी बन गया है। बस हमारा क्रीम चीज रेडी है। इसे आप 1 वीक तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे केक में यूज करने से पहले फ्रिज में एटलीस्ट 1 आवर के लिए रख दें। अब मैं केक बनाने के लिए डाइजेस्टिव बिस्किट्स ले रही हूँ। मैंने 30 डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं। उन्हें ब्लेंडर में डालकर फाइन पाउडर बना लेंगे। अब इन बिस्किट्स के पाउडर को एक बोल में ट्रांसफर कर लें। अब मैं इसमें 1/2 कप मेल्टेड सॉल्ट बटर ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम एक मोल्ड लेंगे जिसका नीचे से बेस अलग हो जाता हो। चीज केक के लिए इस टाइप के मोल्ड्स यूज करने चाहिए ताकि केक आराम से डीमोल्ड हो सके। बस अब इन बिस्किट्स को मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे और स्पून से अच्छे से प्रेस करते जाएं। बिस्किट्स की लेयर इवनली स्प्रेड कर दें। अब मैं इसे 1/2 आवर के लिए फ्रीजर में रखूंगी। अब मैं एक बोल में 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले रही हूँ। इसे मैं इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर से अच्छे से व्हिप कर लूंगी। क्रीम में पीक्स बननी शुरू हो गई हैं। अब मैं यहाँ 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर ऐड करूंगी और फिर से व्हिप करूंगी। अब इसमें स्टिफ पीक्स बननी शुरू हो गई हैं। अब मैं इसमें 1 कप क्रीम चीज ऐड करूं जो हमने अभी घर पर बनाया था। इसे ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर और व्हिप कर लें और अब मैं इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर रही हूं और ऐड करने के बाद थोड़ा सा और व्हिप कर लें। ये काफी स्मूथ मिक्सचर बन गया है। अब ये मोल्ड मैंने फ्रीजर में से निकाल लिया है। क्रीम अब इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इसे ऊपर से अच्छे से स्मूथ कर लें। अब मैं इसे फ्रिज में 6 आवर्स के लिए सेट होने के लिए रख दूंगी। 6 आवर्स हो गए हैं, हमारा वनीला चीज केक रेडी है। अब हम इसे रोज मैरी और चेरीज के साथ डेकोरेट करेंगे।
अगर आपके पास रोजमेरी अवेलेबल ना हो तो आप उसकी जगह मिंट लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं केक को डेकोरेट करने के लिए। हमारा वनीला चीज केक रेडी है क्रिसमस के ओकेजन के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली ऐसी रेसिपीज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।